हेलो गाइस, मुझे पता नहीं यार कोरियन राइटर ऐसा कैसे कर लेते हैं। सच में हर बार ऐसा लगता है कि इससे अच्छा नहीं होगा, लेकिन फिर एक और ड्रामा आ जाता है और फिर तो आप सबको पता ही है। माय लव फ्रॉम अदर स्टार देखने के बाद ऐसा लगा था कि अब कोई इससे बढ़िया कोई भी स्टार क्रॉस्ड लव स्टोरी देखने को नहीं मिलेगी, लेकिन फिर लेजेंड ऑफ द ब्लू सी के आने के बाद ये भ्रम भी टूट गया। तो गाइस, आज हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है लेजेंड ऑफ द ब्लू सी, कि हमें इस ड्रामा को क्यों देखना चाहिए। और आज मैं बताने वाली हूँ 7 रीजंस के बारे में जो इस ड्रामा को औसम बनाते हैं। तो यार, जिन्होंने ये ड्रामा नहीं देखा है उन्हें स्पॉइलर की चिंता करने की जरूरत नहीं है। मैं बस उतना ही बताऊंगी जितना जरूरी है ड्रामा देखने के लिए। तो स्पॉइलर की चिंता किए बिना चलिए शुरू करते हैं। स्टार क्रॉस्ड लव स्टोरी। सो फ्रेंड्स, स्टार क्रॉस्ड लव स्टोरी का मतलब है कि एक ऐसी प्रेम कहानी जो कभी भी कामयाब ना हो पाए। वैसे जिन्होंने ये ड्रामा नहीं देखा है उन्हें ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है, इस ड्रामा की हैप्पी एंडिंग है। स्टार क्रॉस तो मैंने इसलिए कहा क्योंकि ये ड्रामा थोड़ा इनकार्नेशन जैसी स्टोरी को भी टारगेट करता है। क्योंकि हमारे दोनों प्रेमियों की प्रेम कहानी जोशियन एरा में अधूरी रह गई थी, तो उसे पूरा करने के लिए हीरो को 400 साल बाद दोबारा जन्म लेना पड़ता है। तो गाइज, ये तो ऑब्वियस फैक्टर है कि जब कोरियन राइटर्स को कोई फैंटेसी लव स्टोरी लिखनी होती है तो वो उसे इनकार्नेशन यानी पुनर्जन्म से रिलेट कर देते हैं। चाहे बात करें माय लव फ्रॉम अदर स्टार की या फिर गॉब्लिन की, सभी हिस्ट्री से कनेक्टेड है। खैर जो भी हो यार, इस ड्रामा में भी हमें बीच बीच में उनके जोशन एरा वाली लव स्टोरी की झलक दिखी जाती है। यानी कि दोनों ही टाइम पीरियड की स्टोरी हमें एक साथ पैरेलल ही दिखाई जाएगी। इनफैक्ट एक टाइम तो ऐसा आता है जब दोनों टाइम पीरियड के कैरेक्टर्स एक दूसरे से इंटरेक्ट करने लगते हैं। दूसरा रीजन है केमिस्ट्री बिटवीन कोरियस टू हॉटेस्ट एक्टर्स। तो दोस्तों, किसी भी मूवी को हिट करने के लिए दो तरीके चाहिए होते हैं। या तो स्टोरी इतनी तगड़ी कर दो कि लोगों को छक मार के मूवी देखनी पड़े, या फिर पॉपुलर एक्टर्स को कास्ट कर दो तो यार मूवी उनकी फैन फॉलोइंग से ही हिट हो जाएगी। और इस सीरीज में तो तगड़ी स्टोरी और तगड़ी कास्टिंग दोनों ही थी, और वो भी ऐसी कास्टिंग जो कि अपनी एक्टिंग और फैंडम के लिए पूरे वर्ल्ड में जाने जाते हैं। तो गाइस, सीन कुछ ऐसा था कि शूटिंग के दौरान ली जो उनके साथ बिल्कुल भी कंफर्टेबल नहीं था, शायद अपने और जिनके एज गैप की वजह से, लेकिन प्लॉट के हिलेरियस सीन्स को शूट करते करते वे दोनों अच्छे दोस्त बन गए। तीसरा रीजन है सेम राइटर फ्रॉम माय लव फ्रॉम अदर स्टार। नो डाउट माय लव फ्रॉम अदर स्टार एक क्लासिक स्टार क्रॉस लव स्टोरी थी, और 2014 में इसके एंड होने के बाद फैंस इसी दुविधा में थे कि कोई और इस जैसी ही सुपर पावर वाली रोमांटिक कॉमेडी सीरीज देखने को मिलेगी भी कि नहीं। तो शायद इसी कमी को दूर करने के लिए पार्क जी यन द राइटर ऑफ माय लव फ्रॉम अदर स्टार ने इसी स्टोरी से मिलती जुलती एक और नॉवेल लिख डाली जिसका नाम है लेजेंड ऑफ द ब्लू सी। बस फर्क इतना है कि लास्ट सीरीज में सुपर एलियन था और इस सीरीज में एक मर्मेड है। तो यार फन फैक्ट ये है कि कोरिया वाले सब चीजों में सुंदरता ढूंढ लेते हैं। उनके एलियन भी सुंदर होते हैं और उनकी जलपरिया भी सुंदर होती है और फ्रेंडली भी होती है। वही अमेरिका वालों को ले लो, उनके एलियन और जलपरिया हमेशा खूंखार और फियर्स दिखाए जाते हैं। एनीवे, ली ने एक इंटरव्यू में रिवील किया था कि लेजेंड में उसके काम करने का एक ही रीजन था, वो था इस ड्रामा के राइटर्स। तो फ्रेंड्स, अब से नेक्स्ट ड्रामा देखने से पहले उनके राइटर्स और डायरेक्टर्स का भी तहकीकात कर लेना, कास्टिंग तो प्राइमरी होती है। चौथा रीजन है इट ब्रिंग्स फैंटेसी रोमांस कॉमेडी एंड एक्शन इन वन पैकेज। ये तो ऑब्वियस बात है कि हम सभी मार्वल मूवीज इसलिए पसंद करते हैं क्योंकि एक ही मूवी में हमें कॉमेडी, एक्शन, फैंटेसी सब कुछ देखने को मिल जाती है। बस कमी रह जाती है तो वो रोमांस की है, जो कि बखूबी हमें कोरियन ड्रामास में देखने को मिल जाती है। और इस सीरीज के एब्सर्ड रोमांस की तो बात ही अलग है। हिस्ट्री के दो अलग अलग एरा को एक साथ दिखाना हमेशा मेस्मराइजिंग ही होता है। पांचवा रीजन है केमियो एंड मर्मेड अनयूजुअल फ्रेंड्स। दोस्तों, अगर आप कोरियन मूवीज और ड्रामास के डाई हार्ट फैन हो तो आपने चाहते यन का नाम तो जरूर सुना होगा। इस ड्रामा में उसका एप्रोप्रिएट केमियो है जो कि हमें माय सैसी गर्ल की याद दिला देता है। अगर आप लोगों ने माय सैसी गर्ल नहीं देखा तो यार कहीं डूब मरो। इस मूवी जैसी रोमांटिक कॉमेडी आप लोगों को कहीं भी देखने को नहीं मिलेगी। दूसरा केमियो है जो जंग सूक का, जिसने कि इस सीरीज में मर्मेन यानी जल परे का रोल निभाया है। ये सीन भी काफी हिलेरियस था। तो जब सारे कैरेक्टर्स की बात हो रही हो तो हमें भला मरमेट के अनयूजुअल दोस्तों को कैसे भूल सकते हैं।
इसमें कोई डाउट नहीं है कि जुन जियान हमेशा से अपनी कॉमेडिक एक्टिंग के लिए जानी जाती है और इस ड्रामा में भी उसने अपनी शानदार कॉमेडी से हम सबको लोटपोट कर दिया। छठा रीजन है ब्यूटीफुल सिनेमेटोग्राफी। छोटे स्क्रीन पे सबसे बड़ी प्रॉब्लम रह जाती है सिनेमेटोग्राफी की, क्योंकि लिमिटेड बजट होने के कारण अक्सर प्रोड्यूसर्स विविड सीनरीज को अवॉइड कर देते हैं, लेकिन इस ड्रामा में आपको ऐसा बिल्कुल नहीं लगेगा। इनफैक्ट इसकी अमेजिंग सिनेमेटोग्राफी आप सभी को मेस्मराइज कर देगी। तो सच बात कही जाए तो मैं स्पॉइलर से बचते बचाते आपको इतना ही बता सकती हूँ। वैसे तो मैंने ऑलरेडी बहुत से हिंट दे दिए हैं इस ड्रामा की स्टोरी को लेके, लेकिन अब भी बहुत से मेजर हिंट बाकी है जो कि आपको पूरी सीरीज देखने के बाद ही पता चलेंगे। तो गाइस सातवां रीजन है अडोरेबल ओएसटीज। अडोरेबल हार्टवार्मिंग सीन्स देखने में बेशक सबको मजा आता ही है, लेकिन वो पर्टिकुलर सीन का मजा दोगुना हो जाता है जब बैकग्राउंड में एक हार्टवार्मिंग गाना भी बज जाए। ड्रामा में ऑसम साउंडट्रैक्स की तो भरमार है, हालांकि गानों का मतलब तो समझ नहीं आएगा, लेकिन सुनने में अच्छा जरूर लगता है और वैसे सब टाइटल सुन लिए जाते हैं। ये तो रहा इस ड्रामा का नॉन स्पॉइलर रिव्यू। अगर आप सभी किसी और ड्रामा का रिव्यू चाहते हो तो कमेंट में जरूर बताना। अगर ज्यादा पॉजिटिव कमेंट आए तो हम बिल्कुल इस टॉपिक पे काम करेंगे। होप सो आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक करो, शेयर करो। ऐसे डेली अपडेट के लिए हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पे जरूर फॉलो करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। ली मीन हो के पूरे ड्रामा जानने के लिए ऊपर वाली वीडियो देखें और लेजेंड ऑफ द ब्लू सी सीजन 2 की जानकारी के लिए नीचे वाली वीडियो देखें। हम जल्दी अगली वीडियो लेके आएंगे। टिल देन ब्यू ताकू बी नर्ड। थैंक यू गाइज।